रायबरेली से आ रही बड़ी खबर, जहां प्रयागराज नेशनल हाईवे पर रायबरेली में स्थित बटोही रेस्टोरेंट में बुधवार को देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जब तक लोगों को जानकारी हुई तब तक आग बुझाने के लिए पहुंची तब तक रेस्टोरेंट का पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। घटना रात करीब 2 बजे की है। बता दें कि बुधवार रात करीब 1 बजे संचालक रेस्टोरेंट बंद करके चले गए थे। देर रात अचानक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने से लगभग 20 लाख का सामान जलकर खाक हो गया बताया गया है। आग लगने पर स्थानीय लोगों ने रेस्टोरेंट संचालक और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी, लेकिन जब तक आग पर पूरी काबू पाया गया तब तक रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया था। आशंका जताई जा रही कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं बटोही रेस्टोरेंट के संचालक ऊंचा आर निवासी प्रमोद गुप्ता ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी है। जब यहां अंदर धुआं उठा तो बगल के दुकानदार ने जानकारी दी। मौके पर फायर ब्रिगेड टीम आई, उसने आग पर काबू पाया। नाम क्या है आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं उठा। कैसे लगी है आपके रेस्टोरेंट में? शॉर्ट सर्किट है। किस जानकारी हुई थी? जब धुआं निकला तो बगल में चाय की जो दुकान है इससे जानकारी मिली। कितने का नुकसान हुआ? लगभग 20 लाख। फायर ब्रिगेड आई थी? हाँ।